हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की 6 ड्रीम टीम के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप भी फैंटेसी में खेल रहे हो, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, तो आप क्या 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, किस तरह से आपको प्लेयर को पिक करना है, कौन से आपको कैप्टन, आप कौन से आपके कैप्टन वाइस कैप्टन होने चाहिए, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IPL 2022 के नेक्स्ट मुकाबले के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार मुकाबला खेला जाने वाला है, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच में। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास जितने अच्छे बल्लेबाज है, उतनी अच्छी दोनों ही टीमों के पास गेंदबाजी भी है। तो हम देखेंगे कि कौन सी टीम हमें ज्यादा मजबूत नजर आएगी, किस टीम को हम ज्यादा यहां पर फेवर करने वाले। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी जानते हो, लास्ट बार जब मैंने आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम दी थी, उसमें जो हमारी मिनी ग्रैंड लीग में जो रैंक थी, वो पहली रैंक थी, वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। हमारा जो टेलीग्राम है वो मनी गुरु जी के नाम से है, लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सर्च करने पर हमारा चैनल आपको नहीं मिलेगा, आपको जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, उसी लिंक से आपको हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना है। और टेलीग्राम पर रोजाना चल रहे हैं 1,00,000 रुपए तक के गिव अवे, तो वो भी आप ज्वाइन करते रहिए, फ्री में खेलते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहां पर बात करेंगे 6 ग्रैंड लीग टीम के बारे में, ड्रीम की टीम के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, हम एक बार नजर डाल देते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। तो पहले तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मैच डिटेल के बारे में बता दूं, मुकाबला है लखनऊ वर्सेस मुंबई के बीच में, 24 अप्रैल यानी कि आज खेला जाएगा, शाम को 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो कि जाना जाता है पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल विकेट के लिए। तो हालांकि यहाँ पर जो बल्लेबाजी है थोड़ी बेहतरीन हो सकती है। अब बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पॉसिबल प्लेइंग 11 में हम सबसे पहले जान लेते हैं मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो मुंबई इंडियन टीम से आप देखोगे रोहित शर्मा के साथ में ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, फिर डी ब्रेवी से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कायरन पोलार्ड, ऋतिक शोकिन, हालांकि इनकी जगह गेंदबाज को खिलाया जा सकता है, फिर डेनियल से हम लास्ट मैच में 4 विकेट लेकर गए थे, रिली मेरिट ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, फिर जयदेव उनादकट और जसप्रीत बुमराह। तो मुंबई की जो टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट मैच की अगर मैं इस टीम की गेंदबाजी की बात करूँ, तो डेनियल सेम ने लास्ट मुकाबले में 4 विकेट निकाले थे, जयदेव उनादकट ने 4 ओवर किए थे, 48 रन दिए थे और 2 विकेट निकाले थे। तो लास्ट मैच में मुंबई की गेंदबाजी, हालांकि आप सभी जानते हो, इस सीजन में इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए, टीम पूरी तरह से फ्लॉप चल रही है मुंबई की, जो कि जितने भी मुकाबले इस आईपीएल में मुंबई ने खेले वो सभी के सभी मुकाबले मुंबई ने हारे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब यहां से लखनऊ की टीम से। तो लखनऊ की टीम से आप देखोगे कि यहां पर आपके पास केएल राहुल, क्विंटन डी कुक, मनीष पांडे, कुणाल पांड्या, लास्ट मैच में कुणाल पांड्या नंबर 4 पर आए थे, हालांकि ये जो पोजीशन है बल्लेबाजी पोजीशन मार्कस स्टोइनिस की, तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि मार्कस स्टोइनिस नंबर 4 पर खेलेंगे, कुणाल पांड्या नंबर 5 नंबर 6 पर आ सकते हैं, फिर दीपक हुड्डा है, आयुष बडोनी है, फिर हम बात करेंगे यहां से जेसन ओल्डर, दुश्मनता चमेरा इस सीजन अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आवेश खान और रवि बिश्नोई। लास्ट मैच की अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ इस टीम की, तो चमीरा ने 3 ओवर में किए थे, 2 विकेट निकाले थे, कुणाल पांड्या ने 4 ओवर पूरे किए थे और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे, 1 विकेट इन्होंने लिया था, होल्डर ने 2 विकेट लिए थे, रवि बिश्नोई को कोई विकेट मिला नहीं था, स्टोइनिस ने 1 ओवर गेंदबाजी की थी, वहीं पर आवेश खान को भी कोई विकेट मिला नहीं था। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या थी और लास्ट मैच की गेंदबाजी क्या थी। अब थोड़ी सी चीज़ें हम और यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, ये जो पिच है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड के आधार पर आप देखोगे कि 90 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, उसमें से 43 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 47 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते। तो टॉस का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन IPL में एक ट्रेंड सा बन चुका है, जो शाम के मुकाबले होते हैं उसमें जो टीम टॉस जीती वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। फिर हम बात करें फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पर, वो है 167 का, जो क्लियरली दर्शा रहा है एक पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल विकेट को। 235 यहाँ पर हाईएस्ट बना है, 67 यहाँ पर लोवेस्ट बना है। हम बात करें यहां पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे 150 से कम का जो स्कोर बना है यहां पर 23 बार बना है, 150 से 169 के बीच का जो स्कोर बना है वो 20 बार बना है। फिर हम देखेंगे 170 से 189 के बीच में जो स्कोर बना है वो 31 बार बना है, और वहीं पर 190 से ऊपर जो स्कोर बना है वो बना है 16 बार। तो जाहिर सी बात है, मैं जो मान के चल रहा हूँ इस रेंज में रन मान के चल रहा हूँ, 170 के करीब हमें स्कोर इस मैच में देखने को मिल सकता है। अब हम स्कोर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर रिसेंट मैचों में क्या हुआ है। लास्ट के जो IPL मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए उसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ पर कम स्कोर बना था, 131 और 133 का बना था, वहीं पर आप देखोगे 158 161 का बना था, 137 और 141 का। ये जो ग्राउंड है वो 200 के ऊपर वाला ग्राउंड है, लेकिन इस IPL में यहाँ पर स्कोर थोड़ा कम बना है, लेकिन धीरे धीरे पिच जो है अच्छी खेलने लगी है, बल्लेबाजी के फेवर में खेलने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे जो रन बनने स्टार्ट हुए वो आप देखोगे 169 173 165 162 189 173 वहीं पर 212 207। तो कहने का मतलब ये है कि 170 अभी जो रिसेंटली जो पिच खेल रही है वो 170 के करीब वाली पिच खेल रही है। बात कर ली जैसा कि पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर ली, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो आप देखोगे हेड टू हेड मुकाबलों की बात करूँ तो टोटल एक ही मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीमों के बीच में, उसमें वो भी मुकाबला जीता है लखनऊ ने। अब आप देखोगे मुंबई ने इस सीजन में 7 मुकाबले खेले और 7ों के 7ों मुकाबले हारे। लखनऊ की टीम ने 7 मुकाबले खेले, 4 जीते हैं, 3 हारे। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रोहित शर्मा और ईशान किशन लास्ट मैच में दोनों 0 पर आउट हुए थे। तो जो प्लेयर फैंटेसी में आपने देखा होगा जो प्लेयर लास्ट मैच में 0 पर आउट था उस पर लोग भरोसा कम दिखाते, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को बना दीजिएगा। फिर हम बात करें यहाँ से कुछ रिकॉर्ड के बारे में, तो भैया क्विंटन डिकॉक ने मुंबई के सामने 6 मैचों में 115 रन बनाए। फिर रवि बिश्नोई की अगर मैं बात करूँ तो इस आईपीएल में देखो इस आईपीएल रिकॉर्ड 7 मैच इन्होंने खेले, 168 गेंदे इन्होंने किए, 219 रन दिए और 5 विकेट ये निकाल चुके हैं, उसमें 4 LBW और बोल्ड के विकेट थे। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने ज़्यादा विकेट निकाले हैं, 4 विकेट निकाले, सेकंड इनिंग में ओनली इन्होंने 1 विकेट निकाला। तो कहने का मतलब अगर पहले इनकी गेंदबाजी आती तो रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा घातक हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें मुंबई इंडियन के सामने ये क्या कर आ रहे हैं, तो आप देखो लास्ट के 4 इनिंग में 4-4 ओवर किए थे 3 मैच में, उसमें 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, वहीं पर 1 मैच में 2 ओवर किए थे उसमें 1 विकेट इन्होंने निकाला था। तो रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मुंबई के सामने 5 मैचों में 6 विकेट निकाल कर आ रहे हैं रवि बिश्नोई। फिर कुणाल पंड्या, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट मैच में सेकंड राउंड बल्लेबाजी करने आए थे और 4 ओवर इन्होंने पूरी गेंदबाजी की थी, तो अपनी ग्रैंड लीग टीम में इन्हें कैप्टन जरूर बना दीजिएगा। दीपक हुड्डा हालांकि थोड़े से रिस्की प्लेयर रहेंगे, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर जल्दी खेलता है तो अच्छा काम कर सकते हैं। 11 मैचों में 158 रन बनाए हैं मुंबई के सामने और 2 विकेट भी निकाल चुके हैं। केएल राहुल की मैं बात करूं तो केएल राहुल ने क्या किया है मुंबई के सामने, 15 मैचों में 764 रन बनाए हैं, वो भी 84 की एवरेज से। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन तो कैप्टन का मुझे केएल राहुल ही लग रहा है। और पहला जो लास्ट जो हेड टू हेड मुकाबला हुआ था उसमें केएल राहुल ने शतक जड़ा था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की। अब हम चलते हैं ऐप पर, देखेंगे क्या मेरी ड्रीम की 6 टीमें हो सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको फैंटू प्ले ऐप पर दिखाऊंगा कि कौन से प्लेयर अवेलेबल है कौन से नहीं है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आपको किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, फैंटू प्ले ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाकर सबसे पहले आप फैंटू प्ले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने पर आपको जो बोनस मिलता है 100% बोनस, आप 100% वाली लीग में खेल सकते हो और 25% बोनस आप यहाँ पर ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग जो चलती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और पहले डिपॉजिट पर ध्यान रखना, पहले डिपॉजिट पर 200% का आपको यहाँ पर बोनस मिल रहा है, तो 100% बोनस वाली लीग में भी आप खेल सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको 10% रियल एक्स्ट्रा कैश भी मिल रहा है, जैसे आप मेरी लिंक से अगर डाउनलोड करोगे आपको सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी डाउनलोड करने के बाद में। तो जाइए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। और ध्यान रखना टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, और टेलीग्राम ओनली लिंक से ही ज्वाइन करना, सर्च करने पर आपको हमारा टेलीग्राम नहीं मिलेगा। तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं कौन से प्लेयर अवेलेबल है कौन से नहीं है। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो ईशान किशन है, केएल राहुल है और क्विंटन डिकॉक, तीनों ही अच्छे विकेट कीपर सेक्शन के प्लेयर लग रहे, तो तीनों को मैंने ले लिया। फिर बल्लेबाजी सेक्शन की बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखना 2 से 6 प्लेयर ले सकते हो बल्लेबाजों में, तो 2 बल्लेबाज मैंने लिए हैं सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को। आपके पास ऑप्शन कायरन पोलार्ड का है, मनीष पांडे का है, दीपक हुड्डा का है, हाई चांस ये प्लेयर खेलेंगे, वहीं पर आयुष बडोनी और तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को इस मैच में बहुत सारे लोग लेकर चल रहे, तो आप भी देख लीजिएगा बल्लेबाजी क्रम, इनका नंबर लगभग नंबर 5 का रहता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव पर ही भरोसा दिखाया है। 3 ऑलराउंडर मैंने लिए, 3 ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस को मैंने लिया है, होल्डर को मैंने लिया और डेनियल सेम को मैंने लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं, वो बन सकते हैं कुणाल पांड्या। तो ध्यान रखना कुणाल पंड्या को जरूर अपनी ग्रैंड लीग टीम में आप ले लीजिएगा, जो कि आगे बताने वालों। फिर ऋतिक शोकिन लास्ट मैच में खेले थे, इनकी जगह दूसरे प्लेयर को खिलाया जा सकता है। मैंने फिलहाल मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर और डेनियल सेम को लिया है। 3 गेंदबाज में लेकर चलूंगा, 3 गेंदबाजों में आप देखोगे जसप्रीत बुमराह, आवेश खान और दुश्मन दा चमीरा, तीनों पेसर को मैंने लिया। रिली मेरिट बहुत अच्छे गेंदबाज, आप ले सकते हो। जयदेव उनाडकट ने भी लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, अच्छा काम करे, ले सकते हो। फिर हम बात करें रवि बिश्नोई का, अच्छा ऑप्शन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर आपको परसेंटेज वगैरह दिखते नहीं है, तो लोग काफ़ी क्या करते कि उन प्लेयर को पिक नहीं करते, तो रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। नीचे के ऑप्शन की बात करूँ, अगर टाइमन मिल खेलते हैं तो अच्छा ऑप्शन है, या मुरुगन अश्विन खेलते हैं तो अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। चलिए अब मैं आपको टीम का डायरेक्टली प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ड्रीम की टीम देखेंगे। तो फ्रेंड्स फैंटू प्ले ऐप की जो मेरी टीम होगी वो इस प्रकार देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ड्रीम की जो 6 टीमें देने वाला हूँ वो मैं आगे आपको देने वाला हूँ। क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल, ईशान किशन, तीनों ही अच्छे बल्लेबाज, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तो यहाँ तक मेरी टीम परफेक्ट नजर आती है। मार्कस स्टोइनिस, डेनियल सेम, जेसन होल्डर, तीनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर। मार्कस स्टोइनिस की जगह आप कुणाल पंड्या को ले सकते हो, फिर आवेश खान, दुश्मन दा चमीरा और जसप्रीत बुमराह। तो ये होगी मेरी फैंटू प्ले ऐप की टीम। फैंटू प्ले की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। एंट्री फीस यहाँ पर बहुत कम है, बोनस यहाँ पर बहुत चलता है, तो बिल्कुल फ्री में भी खेलकर आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है फैंटू प्ले ऐप। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ड्रीम की 6 टीमें देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम ड्रीम की 6 टीमें देखेंगे। उससे पहले आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ध्यान रखना, सर्च करने पर चैनल नहीं मिलेगा, जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए उसी से आपको हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स, ये जो 6 टीमें अगर आप फैंटेसी में खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, तो ये 6 टीमें बहुत ज़्यादा कारगर है। हालांकि आप बड़ी लीग ज्वाइन करते हो तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मिनी ग्रैंड लीग वगैरह भी आप ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मिनी ग्रैंड लीग में जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम की जो 6 टीमें हैं उसमें जो पहली टीम होगी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल को मैंने लिया है, फिर ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और डी ब्रेविस मेरी टीम में आ गए, तो बल्लेबाजी मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर जैसन होल्डर, दुश्मनता चमीरा, आवेश खान, तीनों ही मेन बॉलर है इस टीम के लखनऊ के। फिर यहाँ से मैंने लिया है जसप्रीत बुमराह और डेनियल सेम को। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको नोट करवा दूँ, अगर आप 6 टीमें जो मैं आपको दे रहा हूँ, इन 6 टीमों से आप इस टीमें भी बना सकते हैं, ओनली कैप्टन वाइज कैप्टन चेंज करके। आपको क्या करना है, आपको टीम चेंज नहीं करनी, आपको ओनली कैप्टन वाइज कैप्टन चेंज करने। जैसा कि एक टीम में आपने केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक को कैप्टन वाइज कैप्टन बनाया है, तो दूसरी टीम में आप रोहित शर्मा, ईशान किशन को कैप्टन वाइज कैप्टन कर दीजिए। एक टीम में आप जसप्रीत बुमराह, डेनियल सेम को कैप्टन वाइज कैप्टन कर दीजिए। इस तरह से ओनली आपको कैप्टन वाइज कैप्टन चेंज करने। तो यहाँ पर आप टीम देख सकते हो, ये मेरी पहली टीम होगी, इसमें मैंने बल्लेबाजी दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गली और गेंदबाजी दोनों ही टीमों स्ट्रॉन्गली। सेकंड टीम की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे सेकंड जो मेरी टीम रहेगी, इसमें मैंने लखनऊ की टीम को थोड़ा सा फेवर किया। लखनऊ की टीम से आप देखोगे क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल, मार्कस ट्रिनिस, तीनों ही मेन बल्लेबाज, फिर जेसन होल्डर, दुश्मनता चवीरा, आवेश खान और रवि बिश्नोई। तो यहाँ पर जो गेंदबाजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने, वो कर दी है यहाँ पर लखनऊ की। फिर मुंबई के मैंने मेन बल्लेबाज लिए हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जो कि गेंदबाजी भी कर सकते हैं, वहीं पर डेनियल सेम। तो सेकंड जो मेरी टीम है थोड़ी सी लखनऊ को फेवर करते हुए बनाई है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक चेंज कर सकते हो, आप कुणाल पंड्या को लेकर चल सकते हो, क्योंकि कुणाल पंड्या बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो सेकंड जो मेरी टीम होगी कुछ इस प्रकार होगी, कैप्टन वाइज कैप्टन आपको अपनी इच्छा से बनाने, इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना। तीसरी जो मेरी टीम होगी, तीसरी मेरी टीम में आप क्या देखोगे, तो तीसरी टीम में मैंने ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं, छोटा सा चेंज किया। आप देखोगे क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में आ गई, लोकेश राहुल आ गए, कायरान पोलार्ड को मैंने लिया है, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जो कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मैंने यहाँ पर लिए, और डेनियल सेम जो कि बल्लेबाज और गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट करते। फिर जेसन होल्डर, कुणाल पंड्या, दुश्मनता चवीरा, आवेश खान और रवि बिश्नोई मेरी टीम में आ जाते। तो यहाँ पर स्टोइनिस की जगह पर कुणाल पंड्या मेरी टीम में आ गए, यहाँ पर रोहित की जगह पोलार्ड मेरी टीम में आ गए। फिर ज़्यादा चेंज मैंने यहाँ पर किया नहीं है। फोर्थ टीम की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो फोर्थ टीम रहेगी, जो चौथी टीम मेरी रहेगी, वो जिस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, इसमें मैंने क्या किया, क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल, ईशान किशन, तीनों को लिया है। फिर आप देखोगे यहाँ से रोहित शर्मा, मनीष पांडे मेरी टीम में आ जाते हैं और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि मिनी ग्रैंड लीग जीतने के लिए एक प्लेयर ही काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से कुणाल पंड्या जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेनियल सेम, जयदेव उनादकट, रिले मेरी मेरी डिफरेंशियल पिक होगी, और यहाँ पर मैंने लिया जसप्रीत बुमराह को। तो यहाँ पर जो मुंबई के चारों ही, पहले हमने क्या किया था, लखनऊ के चारों मेन गेंदबाज लिए थे, 5 गेंदबाज मैंने लखनऊ के लिए थे, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने चारों मुंबई के मेन गेंदबाज लिए और यहाँ पर कुणाल पंड्या जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट करते, हो सकता है आज मुंबई का दिन हो, तो ये टीम आपको बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन वोन करवा सकती है। नंबर 5 की हम टीम देखें तो नंबर 5 की टीम में हमने क्या किया है, नंबर 5 की टीम एक बैलेंस टीम है, क्योंकि यहां पर आप केएल राहुल को मैंने लिया है, मनीष पांडे मेरी टीम में आ गए, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, जयदेव उनादकट, दुश्मनता चमीरा, बुमराह और आवेश खान। यहाँ पर फिर से बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था कि स्टोइनिस को लूँ या कुणाल पंड्या को, दिल तो कर रहा था कुणाल पंड्या को लेने का, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप कुणाल पंड्या को अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। फिर हम बात करें 6 ऑप्शन की, तो मेरा जो ग्रैंड लीग का 6 ऑप्शन होगा, उससे पहले फिर से याद दिला देता हूँ, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो जल्दी से टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, और जो फैन टू प्ले ऐप है, फैन टू प्ले ऐप पर भी जो मिनी ग्रैंड लीग चल रही है उनमें आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये टीमें आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपकी अच्छी रैंक वहाँ पर आ सकती है, तो फैन टू प्ले ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। 6 टीम की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो 6 टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, इसमें मैंने क्या किया, होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पंड्या और डेनियल सेम, चारों ही मेन ऑलराउंडर लिए, जो कि शायद ही कोई लेने वाला है, बहुत कम लोग लेकर चलेंगे। फिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और डी ब्रेविस गेंदबाजी भी कर सकते हैं। फिर यहां पर मैंने केएल राहुल को लिया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ईशान किशन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनकी जगह मैंने ऑलराउंडर बढ़ा है, तो हो सकता है ऑलराउंडर अच्छा काम कर जाए। फिर दुश्मनता चमीरा, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान मेरी टीम में आ जाते, तो ज़्यादा कोई छेड़छाड़ी मैं टीम से करूंगा नहीं, यही मेरी टीम रहेगी। हालांकि मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करूंगा टीम में तो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।